नाम नहीं बताऊंगा कि वो कोर्स भी बेच रहे हैं 600-600 रुपए का कॉन्स्टेबल जीडी के लिए, और जो सॉल्यूशन देते हैं उसके भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांड अकेडमी में। दोस्तों आज बड़े दुख के साथ जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है और बहुत ही दुख की बात है। आपने जो चीज़ सुनी है उसको मेरे को खुद के सुनने के बाद भी काफ़ी दुख होता है। एक बात याद रखिए जिंदगी में कि अगर आप सफल हो रहे हो, अगर आप सफल हो रहे हो तो जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई कर सकते हैं। याद रखिए जिंदगी में लाड लो, अगर आप सफल हो रहे हो तो आपसे सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग होंगे जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे। ठीक है, जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे लोग वही दुखी होंगे, क्योंकि जो आपको नहीं जानते वो दुखी नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी आज मेरे बारे में एक वीडियो बनाया है, फिर वायरल कर रहे हैं काफ़ी, मेरे को इससे पहले भी काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, कुछ और भी लोगों ने इस प्रकार के वीडियो बनाए मेरे लिए स्पेशली, और आज फिर एक जिस इंसान ने वीडियो बनाया वो ये मान लीजिए मेरी जाति धर्म का ही है। ठीक है, क्योंकि वो तो उन्होंने भी मेरे बारे में जो एक वीडियो बनाया है उसकी, तो सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ ना कि याद रखिए जिंदगी में अगर आप सक्सेस हो रहे हो तो सबसे पहले आपकी टांग खींचेगा वो आपका नज़दीकी। अगर आपका भाई आपके साथ है इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, रावण का भाई रावण के साथ नहीं था और राम का भाई राम के साथ, जीत का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही, क्योंकि रावण की जो बात थी किसने मराया था रावण को आप सभी को पता है किसने। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को एक चीज बताइए कि ये कोई भी लोग है जितने मेरे को एक चीज बताइए उससे पहले, फिर मैं बताऊंगा कि क्या प्रूफ है, उनको अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ना मैं गलत हूं ना मैं गलत सुनता हूं, ये वास्तविकता से जुड़ा टॉपिक है, मैं आपको इसकी पूरी की पूरी जो सच्चाई है वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए ना पहले, उससे पहले मैं उनको बता दूं कि पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, हाथ जोड़ दूंगा ऐसे कि हाँ भाई मैं गलत हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो सहन भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इससे पहले भी मेरे को लेकर काफी वीडियो बना रहे हैं लोग। ठीक है, वो उनको थोड़े से व्यू मिल जाए इसलिए। अब मुझे एक चीज बताइए कि कुछ बोल रहे हैं कि आप 600 रुपए का कोर्स ले रहे हो, ठीक है, 1100 रुपए का नहीं ले रहे हो या 700 रुपए का नहीं ले रहे हो या पेड कोर्स क्यों ले रहे हो। भाई तुम पता नहीं पाकिस्तान से आए होंगे या पता नहीं कहां से आए हो, हमने खुद ने कोचिंग की है 5000-5000 रुपए देके, हमने खुद ने कोचिंग की है 5000-5000, क्योंकि बिना कोचिंग, मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई कोचिंग से ही लगता है, बिल्कुल नहीं, कुछ सेल्फ स्टडी से भी लग जाते हैं। मैंने कोचिंग की है 2 साल, वो भी बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग करते हैं, कितने लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंगों में क्यों है लोग, लेकिन मेरे को टारगेट करने का क्या रीजन है, 600 रुपए में 9 घंटे की लाइव क्लास देता हूं मैं एप्लीकेशन पे, 9 घंटे की लाइव क्लास। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन खोलना, हर रोज 2.5 घंटे मेरा रतन फ्री, कल से एप्लीकेशन खोल के देख लेना 12:30 बजे कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन खोल के चेक कर लियो, हर रोज 2.5 घंटे की 12:30 बजे से 3 बजे तक मेरा रतन क्लास बिल्कुल फ्री। अगर कोई एप्लीकेशन वाला दे रहा ना 600 रुपए में तो साला गुलाम रह जाऊंगा मैं जिंदगी भर, कोई रिकॉर्ड क्लास भी दे रहा था मैं फ्री में 2.5-2.5 घंटे फ्री चलाता हूं, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं वो मेरे को कोई फ्री पढ़ाने नहीं आता है ना, मैं फ्री पढ़ा सकता, कोई टीचर आता है कि फ्री पढ़ाने के लिए, आप में से कितने के माँ बाप है जो फ्री पढ़ाने के लिए तैयार है, कोई है तैयार, कोई फ्री में मेरे को टाइप करके देने के लिए तैयार है टाइपिस्ट है, मैं पीडीएफ फाइल देता हूं नोट्स, अभी मैंने 5000 ट्यूशन की बुक डाली, बुक बनाने का कोई टीचर है जो मेरे को बुक बना के दे सकता है बिल्कुल फ्री, टाइप करवा सकता है कोई बिल्कुल फ्री, मैं बिल्कुल फ्री दे दूंगा, फिर भी मैंने फ्री दी है ये एप्लीकेशन पे, मेरे को टारगेट करने से क्या मतलब है भाई है? बोल रहे हैं कि सर 600-600 रुपए में कोर्स बेच रहे हैं, अरे तो कोर्स बेच रहे हैं, मैं कोई अकेला बेच रहा हूं इस दुनिया में, 600 रुपए में सबसे कम इंडिया में सबसे कम रेट में कोई अगर कोर्स दे रहा तो वो मैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि फौजी बनने वाले जो बच्चा होता है उसके परिवार में कितनी क्षमता, और 600 रुपए में एक विश्वास दिलाता हूं उस इंसान को कि लाइव कोर्स करवा रहा हूं, क्या लाइव कोर्स करवा रहा हूं, लाइव कोई करवाता है लाइव, अरे एक बार लाइव करवाने का मतलब यह कि वो क्लास मेरे किसी काम की नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास में यह होता है कि एक क्लास को मैं 10 लीटर काम में ले सकता हूं, लाइव क्लास इसलिए करवाते हैं कि बच्चे डाउट पूछ सके अपने क्लास के दौरान, सर उनको हल कर सके, क्यों कर रहा हूं मैं, अरे मुझे नहीं पता क्या जिस बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, जितने बच्चों ने मेरा कोर्स परचेज कर गया है, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, अरे उनका भविष्य मुझे पता है, उनके परिवार की स्थितियां मुझे पता है, लेकिन आप लोग, मैं बोल रहा हूं इस दुनिया में अगर कोई बराबरी नहीं कर सकता वो आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, क्यों बराबरी नहीं कर सकते इस दुनिया में, लोग जलते हैं कि इस बंदे ने 3 महीने में, कितने महीने में, एक चीज और बता दूं मैं आपको यहां पर, ध्यान रखना याद रखना, अभी तक आपने नहीं देखा है ना देख लीजिए, बोला कि इस महीने ने 3 महीने में 2 लाख की फॉलोइंग यूट्यूब पे, सिर्फ 3 महीने में,
किसी की बुराई करके नहीं बढ़े हम, ना 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 ना, किसी की बुराई नहीं किया आज तक, और ना कभी जिंदगी में करेंगे, ना किसी का गलत किया ना करेंगे। सिर्फ 3 महीने में 2 लाख, एक चीज और सुन लेना, अभी मैंने एक वीडियो डाला है कमांडो फिजिकल टिप्स चैनल पे, ठीक है, सुन लेना हो जो भी है ना, जिनको लगता है मेरे से बराबरी करने का, जिनको भी शौक चढ़ा है, मैं ये नहीं बोलता अगर कोई मेरे से आगे निकलता है बिल्कुल निकलिए, लेकिन मेहनत करिए, किसी की बुराई नहीं किए, ठीक है, मेहनत किए कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, तो मेहनत करते हैं उसके लिए। अभी मैं बताऊंगा मेडिकल वाली बात की जो सच्चाई है ना, आपको अभी सामने रखता हूं समक्ष, अगर दम हो तो वापस रिप्लाई करना और विद प्रूफ करना, बिना प्रूफ के किए ना, आपको शायद पता नहीं YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के अनुसार अब मैं आप पे FIR ठोक सकता हूं, मान आने का दावा, अगर कोई गलत कमेंट भी कर दे उस पे भी ठोक सकता हूं मैं, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, बताना कमांडो फिजिकल जो टिप्स चैनल है ना, इस पे मैंने पहला वीडियो ठोका है, ठोका मतलब एक वीडियो डाला है और 1 लाख लोगों ने देखा है सिर्फ 2 दिन में, 1 लाख व्यूज ओनली 2 डेज, 2 दिन में 1 लाख व्यूज सिर्फ एक वीडियो, और वो चैनल पे फॉलोइंग सिर्फ 5,000 सिर्फ 2 दिन में, क्यों भाई, किसी की बुराई नहीं किए, लोगों को वास्तविकता बताइए कि ये मेडिकल पॉइंट होता है ये नहीं होता है, इस प्रकार की मेडिकल बीमारी आपके हो सकती है नहीं होती, उसके लिए रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, जितने भी लोग उनसे पूछते हैं अपना टाइम खराब करते हैं, पता करते हैं, क्यों, क्योंकि मदद हो, अगर किसी की मदद नहीं होगी ना तो 1 लाख लोग नहीं देखेंगे, पागल नहीं है लोग, और जो कोचिंगों में पढ़ रहे, अरे 600 रुपए में क्या आता है, 600 रुपए में पेट्रोल का दाम है 1 लीटर का 100 रुपए, शायद मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे ना तब तक कोर्स हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, इसलिए दूसरी बात जो बोल रहे हैं ना बड़े बड़े कोर्स उनके जाके देखना, ये बुक लो वो बुक लो, तो फिर मेरे को टारगेट क्यों, अभी आता हूं आपकी समस्या पे, बोल रहे हैं कि मेडिकल के लिए पैसे लेते हैं, चलिए दिखाता हूं आपको क्लिप देख लीजिए, 300 रुपए के जाके कमांडो ये वो पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं यार, धूर्त हो यार, बिल्कुल धूर्त हो, चलिए आप मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप सबको स्वतंत्रता है, एक भी बच्चा सिंगल पिछले 3 महीने से, कितने महीने से, 3 महीने से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, पिछले 3 महीने से एक सिंगल वन बंदा भी बोल दे कि मैंने एक पैसा भी किसी से मांगा है, तो साला मैं हराम की औलाद, मैं किसी हरामी की औलाद, अगर कोई एक बंदा भी बोल दे कि मैंने उसकी प्रॉब्लम बताने के लिए एक पैसा भी मांगा है तो मैं हरामी की औलाद, और अपनी वर्दी की कसम खा के बोलता हूं, अगर कोई एक भी, अगर किसी के पास प्रूफ है, कोई अपनी मां का दूध पिया है और प्रूफ है, आरोप लगाने से पहले प्रूफ दिखाए, मेरा हेल्पलाइन नंबर से अगर किसी को पैसे का नंबर अगर मैसेज गया है, मेरे पर्सनल नंबर से, मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, कहीं से भी किसी को अगर एक पैसे का भी मैंने अगर मैसेज किया है कि मुझे पैसे दो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को हल कर दूंगा, या तुम्हारी प्रॉब्लम का चार्ज लेता हूं मैं पैसे बताने का, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पे मैं हर रोज लाइव रहूंगा मेडिकल प्रॉब्लम को लेके, और कान से सुन लो एक बार, फ्री, ये मैं कम से कम 20 बार बोल चुका हूं, मुझे पता है अगर कोई मेरे को मेडिकल की फिक भेज रहा तो वो पैसे भेजेगा क्या, अरे मेरे को पता नहीं क्या लोगों की क्या स्थिति, हमने देखी है गरीबी, हमने देखी है गरीबी दूसरों के घर घर में ऐसे झुक झुक के टीवियां देखी है हमने, हमको करोड़पति नहीं है, मेरी लाइफ स्टाइल जो मेरी की पूरी जीवनी है उसका मैंने वीडियो बनाया देख लेना एक बार अच्छे से, हमको करोड़पति नहीं है आज भी नहीं है, और 600 रुपए फीस ले रहे हैं ना वो इसलिए ले रहे हैं कि 6 टीचर पढ़ाने आते हैं, कितने 6 टीचर, 2-2 घंटा पढ़ाते हैं 12 घंटा, इनको पैसे मैं कहां से दूंगा, मेरी खुद की पेमेंट नहीं है इतनी, मैं कहां से दूंगा इनको पैसे, एप्लीकेशन चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, बोर्ड चलाने के लिए लाइट खर्च होती है, ये कहां से दूंगा मैं, भीख मांगूंगा लोगों से, नहीं मैं आपसे 600 रुपए अगर फीस के ले रहा हूं तो उसके बदले में आपको 1200 रुपए का काम दे सकता हूं, वो काम सभी दे सकता हूं जो दूसरे नहीं दे सकते, मैं अपना टाइम दे सकता हूं, ठीक है, और जितने भी टीचर मेरे पास आते हैं उनको भी मैं ये बोलता हूं कि भाई ये बहुत ही कम लो रेट में हम पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत ज्यादा करिए, तो वो सभी मेरे को सपोर्ट करते हैं, 1 घंटे के बजाय 2-2 घंटे क्लास करते हैं, लेकिन आप मेरे को टारगेट, अब मुझे बताना कि मैंने किस बच्चे से मैंने मेडिकल के लिए पैसे मांगे, अगर अपनी मां का दूध पिया है, ठीक है चैलेंज है मेरा, नहीं तो एक बार मेरे को कॉल करके पूछता कि क्या बात है सच्चाई है,
हेल्पलाइन नंबर हर वीडियो में दिए हुए रहते हैं ना, कम से कम 5000 मेडिकल की फोटो है मेरे पास में, और हर एक फोटो पे मैं क्या करता हूँ, पेशी पहली बात तो मैं बच्चों को जितने भी फोटो भेजते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। पहले जाके मेरा यूट्यूब चैनल चेक करो, जैसे ही बच्चों की फोटो आ जाती है मेरे पास में 200-300, उनमें से जो जो प्रॉब्लम वाली फोटो है मैं लेता हूँ और वीडियो बनाता हूँ और लाइव में वीडियो दिखाता हूँ और बताता हूँ कि बेटा ये प्रॉब्लम है ये नहीं है। जितना मुझे पता है उससे ज्यादा मैं कभी नहीं बताता। जब कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर हम मेडिकल में फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि देखो आप तैयारी करिए, मेडिकल तक पहुंचिए, अगर मेडिकल में फेल हो जाते हो तो उसके बाद में रीमेडिकल का आपको समय मिलेगा एसएसजीडी में, तो उसके बाद में ये चीज सोचना। अगर आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि इसमें मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि उसमें आप पहले से खराब आना करवाए। अगर मान लो आपको लकीली नहीं मिला पॉइंट तो फिट हो जाइए ना, अगर मिल गया तो वो तो आप अभी कार्रवाई करोगे, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन ये फालतू क्यों बराबरी नहीं कर सकते ना, बुराई मत करिए। जिंदगी में हमेशा दूसरे को बदनाम करने की बजाय अपना नाम करिए। हम किसी को बदनाम करके आगे नहीं बढ़े, 3 महीने में इतनी फॉलोइंग ऐसे नहीं हुई है, लेकिन कभी किसी को गलत नहीं बोला, हर एक बच्चे को सही बोला। नहीं तो मेरी लाइव क्लास आके ज्वाइन कर लेना, हर रोज 7:30 बजे मैं लाइव आता हूं। अगर एक भी नेगेटिव कमेंट आ जाए ना, मैं उस बच्चे को पूछता हूं कि भाई नेगेटिव कमेंट किया तो किया क्यों, मेरे को एक भी नेगेटिव कमेंट पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं हित कर रहा हूं लोगों का, मुझे पता कि मैं अहित नहीं कर रहा हूं, जो मेरे से पढ़ते उनको पता है मैं अहित नहीं कर रहा हूं, तो फिर नेगेटिव कमेंट क्यों? लेकिन करेंगे क्यों? क्योंकि उनको मेरी तरक्की से राज नहीं आती कि इस इंसान ने 3 महीने में ऐसा कैसे कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी जलती है, और मैं हमेशा पेट्रोल डालता रहता हूं उस जगह पे जहां पे जलती रहती है। ठीक है, अगर हमसे जलते हो तो जल के मर जाइए, हम तो यूं ही चलेंगे, कोई शक नहीं है। हम चैलेंज करते हैं किसी को ना, किसी का गलत करते हैं ना कोई बार। अगर कोई भी बच्चा मेरे पास में इतने दिन में मेरे से अगर जुड़ा है, एक बच्चा सिंगल वन बंदा भी अगर मेरे को बोल देना कि सर आपने ये गलत किया, मैं हर एक बच्चे से जिससे भी बात, मेरे को तो रोना आ रहा, मैं बोलूं क्या? नहीं, क्या तकलीफ क्या मुझे ये बताओ? नहीं, क्यों पीछे पड़े हो भाई, क्या तकलीफ है आपको? मेरे से प्रॉब्लम क्या, मुझे तो यह समझ में नहीं आती। मैं एक इंसान तो हूं नहीं जो 600 रुपए में कोर्स दे रहा हूं। लोग 1000-1100 रुपए के लिए 7000-7000 रुपए चार्ज करते हैं, तो उन पे बनाओ ना, मेरे पे क्यों? लेकिन उन पे नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे से जल रही है ना, उनसे थोड़ी ना जल रही है। मेरे से जल रही है कि मैं तुम्हारे साथ उराज आगे निकल गया, और मैं आगे नहीं निकला हूं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं जहां था वही हूं, और मैं जैसा पहले करता था लोगों के साथ आज भी वैसा ही करता हूं। आज भी कम से कम जितने कॉल आते हैं दिन में, उनमें से कई लोगों के मैं अटेंड कॉल करता हूं, और हर एक बच्चा मेरी लाइव में ऐसे ही इतने पॉजिटिव कमेंट नहीं आते। नहीं तो लाइव लोग है ना, तुम लाइव आके देखना, कभी गालियां देते हैं धड़ाधड़ लाइव में, पढ़ाने नहीं देते टीचर को, प्यार नहीं बरसाते। मैंने एक दिन बोला था बच्चों को कि मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी डालना, एक दिन में 150 स्टोरी डाली थी बच्चों ने। ये प्यार ऐसे नहीं मिला है। मैं किसी के लिए कुछ करता हूं इसलिए बनता है, किसी के लिए हरामी पना नहीं करता, ना किसी के लिए सोच रखता हूं। ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे एप्लीकेशन से मेरे से जुड़े हुए यूट्यूब से, उनको भी बोलता हूं कोई बात नहीं, आप पे पैसा नहीं है, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं फ्री, और हर रोज पढ़ाऊंगा ये गारंटी लेता हूं। चाहे टीचर पढ़ाए मैं पढ़ाऊं आपको, हर रोज आपकी पढ़ाई कभी खराब नहीं होगी। जबकि मेरा तो एजुकेशन चैनल नहीं था, लेकिन मैं बनाया इसको एजुकेशन चैनल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लूटपाट होकर काफी चल रही है। ध्यान रखना, किसी को आरोप डालने से पहले, किसी का भी इतना गंदा आरोप डालने से पहले एक बार उसकी सत्यता देख लेना, नहीं तो मेरे मुंह से निकल जाएगा। नहीं तो आजकल यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस और सोशल मीडिया गाइडलाइंस के तहत आपको मैं बता दूंगा धारा भी, और समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, किसको टारगेट कर रहे हो और किसको नहीं, समझ में आता है हमको? पागल नहीं है हम तो। लाड लो, कमेंट बॉक्स नीचे खुला है। अगर किसी से भी मेरी टीम ने या मेरे में, या मैंने आज तक किसी को एक पैसे का भी बोला हो, सिंगल वन पैसे का भी बोला हो, तो वो नीचे स्क्रीनशॉट लगा दे, मेरे व्हाट्सएप पे स्ट्रीम के दे, नहीं तो मेरे को कमेंट कर दे नीचे कि हाँ आपने मेरे से पैसा मांगा था या आपने ऐसा किया था। कमेंट बॉक्स पूरा खुला है, बिल्कुल जाके अपनी राय दे दीजिए उसमें, और नहीं तो ये लोग ऐसे बंद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं दुखी हो जाता हूं इन चीजों से कि भाई क्यों जल रही है इतनी आपकी, क्यों ऐसा हो रहा है। और दम है तो अगला वीडियो विथ प्रूफ बनाना। ठीक है, ये चैलेंज है मेरा, विथ प्रूफ बनाना, जवाब जरूर देंगे हम।
अगर गलती होगी तो हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे, लेकिन वो दिन आपको नसीब होगा नहीं, वो दिन नसीब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी बच्चे के साथ ना आयत करते हैं, ना कोई भी रीजन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नुकसान उठा लेंगे, लेकिन किसी बच्चे का ना तो बुरा करेंगे, ना किया है, ना आगे करेंगे कभी। हमसे जितनी मदद होती है करता हूं। अगर कोई मेरे जितने मेडिकल पे वीडियो बनाया तो बता देना, मेरे जितने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया तो बता देना, मेरी जितनी फिजिकल के लिए वीडियो बनाया तो बता देना, और एजुकेशन में भी जितना मैं करता हूं उतना अगर कोई कर दे तो बता देना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जाके देख लेना, हर रोज एक ना एक नई पीडीएफ, नई नए नए नोट्स हमेशा मैं देते रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं। तो दम है तो अपना काम करिए, मेहनत करिए रात दिन, किसी को बदनाम करने में नहीं, अपना नाम करने में करिए। लाड़ दो याद रखिए, जिंदगी में अपना नाम करिए, दूसरे को बदनाम नहीं। आपका नाम होगा दुनिया अपने आप जान जाएगी। तो जलने वालों जलते रहो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं गलत हूं नहीं। और जिस दिन गलत होऊंगा ना, जिन बच्चों के साथ मेरे से अगर किसी कुछ भी गलती हो जाएगी ना, साला उस अपने को दोषी मानूंगा। और मैं आज भी बोल दिया, एक बार फिर भी बोल दिया, अपनी एप्लीकेशन में बोला, मैंने कहा जिन बच्चों ने जो जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, ये चाहते हैं कि वो मेरे साथ तैयारी करेंगे इस बार से जीडी की या आर्मी की या बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, ट्रेडमैन की, मेरे साथ तैयारी करें, अगर आप एप्लीकेशन पे आ गए हो तो इसके बाद में आपका दोषी मैं हूं। ठीक है, अगर आपका कोई भी एक भी कोर्स कुछ भी बाकी रह जाए उसका दोषी मैं हूं, उसका गुनहगार मैं हूं, आप नहीं। आपका काम सिर्फ पढ़ने का, मैटर पूरा देने का मेरा काम है। तो ये मैं कई बार बोल चुका हूं अपनी एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे भी बोल रहा हूं, आज बोल रहा हूं। ठीक है, उसका दोषी मैं हूं। अगर कोई बोल दे इतना और कोई बता दे एजुकेशन वाला है, कोई भी चैलेंज कर ले इतना, तो मिलवा दियो जी हमसे, हम राम राम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे को बदनाम करने की बजाय अपना नाम करने में लगिए लाड ले। ठीक है, बदनाम करके टांग खींच के जिंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ा है, किसी दूसरे का टांग खींचने से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा है। जो आगे बढ़ा वो दौड़ा है, खुद की मेहनत किया है, वो आगे बढ़ा है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नाम कमाया, विराट कोहली ने अपना, सचिन तेंदुलकर ने अपना कमाया है, उन्होंने किसी एक दूसरे की बुराई करके नहीं, अपनी मेहनत करके कमाया है। जय हिंद, जय